السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا سورة النساء آية نمبر 59 काबिल एहतराम सामीन करामबा की तोफ़ी से आज हम तमाम लोग यहाँ पर दीन का इल्म हासिल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस तरह की दीनी महफ़िलों पर अल्लाह आलमीन की ख़ुसूसी निगाह होती है अपनी रहमतें ख़ुसूसी तौर पर ऐसी मजलिसों आलमीन नाजिल करता है आज के इस दरस में तकलीद से मतलक़ दस अहम बातों का तस्करा आपके सामने किया जाएगा तकलीद बड़ा मशहूर लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ हमारे माशरे का जाना पहचाना हुआ लफ्ज़ है जैसे कहते हैं मुक़ल्लिदीन और गैर मुक़ल्लिदीन दोनों चीज़ें हमारे यहाँ मशहूर हैं मरूफ हैं बहरहाल दस अहम बातें क्या हैं वो वोान सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ नंबर एक तकलीद का माना और मफहूम क्या है नंबर दो तकलीद की किस्में नंबर तीन तकलीद और इतवा में फर्क नंबर चार तकलीद पर रद्द कुरान से हदीस रसूल से और इजमाए उम्मत से नंबर पाँच तकलीद की इब्तदा कब नंबर छः अइमय अरबा की तारीख़ विलादत और वफात नंबर सात क्या इम अरबा ने तकलीद की दावत दी है नंबर आठ मजहब हनफी के फरोग पाने के इसबाब नंबर नौ क्या एक मुसलमान पर किसी खास जहब की तकलीद लाजिम है नंबर दस तकलीद के नुकसान इन्हीं दस पॉइंट पर आपके सामने गुफ्तु होगी नंबर एक तकलीद का माना क्या है अगर कोई आपसे पूछ ले भाई हर कोई कहता तकलीद नहीं करनी चाहिए तकलीद जायज़ नहीं है सवाल ये है डिक्शनरी में तकलीद का माना क्या होता है ये तकलीद अरबी ज़बान का वर्ड है कल युकलीदो तकलीदन इसका असल वर्ड जो है वो है काफ लाम दाल अलदा क़ैलादा कहा जाता है उनुक जो गर्दन में पट्टे की शक्ल में होता है उसे क़िलादा कहा जाता है चूँकि जो शख्स तकलीद करता है किसी की गोया की वो उसकी जानिब से पट्टा अपने गले में डाल लेता है अब वो जिसकी तकलीद कर रहा है जो वो कहेगा उसी के हिसाब किताब से चलेगा इधर उधर नहीं जाएगा मुखलदिन के यहाँ क्या होता है जितना इमाम साहब ने कहा है उतना ही करेंगे अगर इमाम साहब ने कहा है या इमाम साहब से साबित है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें कितने शुमार की जाएंगी तीन शुमार की जाएंगी तो वो तीन ही पे जाएंगे एक पर नहीं जाएंगे बहरहाल नुकसान आगे गिनाऊंगा अच्छा मफहूम तकलीद का क्या शर्य अतबार से कहते हैं तकलीद हुआ कबूल कौलिन बेलाजैतिन किसी की बात को बगैर दलील के मान लेना कबूल कर लेना यही तकलीद है कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर है आप उसकी बात मान रहे हैं बगैर दलील के बस उसने कह दिया तो अब उसकी बात माननी है आपने ये नहीं पूछा भाई एक मजलिस की तीन तलाक तीन हो जाती है दलील क्या है दलील अगर आप मांग लेंगे और उसकी रोशनी में बात तस्लीम करेंगे तो फिर वो तकलीद नहीं उसे क्या कहा जाएगा इत्तेबा कहा जाएगा लेकिन बस इमाम साहब ने कह दिया इस वजह से उनकी बात हम मान लेंगे दलील का मतालबा आपने नहीं किया कि क़ुरान से कहाँ है हदीस रसूल से कहाँ है इजमा से कहां साबित है कयास से कहां साबित है दिखाओ ज़रा आपने कुछ नहीं मांगा गोया कि आपने क्या की तकलीद की अच्छा नंबर दो तकलीद के अकसाम किस्में कितनी है तकलीद की अगर कोई आपसे पूछे अमूमी तौर पर उलमा तकलीद की दो किस्में जिक्र करते हैं एक तकलीद मतलक और एक मुद मतलक जायज़ है और मुद जायज़ नहीं है मतलक का मतलब क्या हुआ जैसे एक आम इंसान है वो आज मेरे पास आया नमाज़ के मसाइल पूछ लिया मैंने उसे बता दिया कल किसी और आलिम के पास जाता है ज़कात के मसाइल पूछता है वो बता देते हैं तीसरे दिन किसी और आलिम के पास जाता यानी उसके यहाँ कोई फ़िक्स आलिम नहीं है कोई फ़िक्स मौलाना नहीं है जो भी मौलाना उसे मिल जाते हैं और उसे मालूम है कि वो किताब सुन्नत की रोशनी में दीने मसाइल बतलाते हैं वो उनसे सीख लेता है वो मसाइल और फिर उन पर अमल करता है इसे तकलीद मतलक़ कहा जाता है और ये जायज़ है और इसी के उल्टा एक तकलीद तकलीद मुद तकलीद मुद में क्या होता है इंसान किसी एक शख्स को लाजिम पकड़ लेता है किसी एक आलिम को लाजिम पकड़ लेता है नमाज़ का मसला पूछना है तो उन्हीं मौलाना उन्हीं से पूछना है जकवात का मसला पूछना है तो उन्हीं से तलाक़ के बारे में पूछना है तो उन्हीं से पूछना है यानी सारे मसाइल वो कहाँ से लेगा सिर्फ़ एक इमाम साहब से सिर्फ़ एक आलिम साहब से इसी को कहते हैं तकलीद शख्सी मुकैद को क्या कहते हैं तकलीद शख्सी किसी एक शख्स को लाजिम पकड़ लेना और जो कुछ वो कहे चाहे उसकी बात क़ुरान और हदीस के मुताबिक हो या उसकी बात क़ुरान और हदीस के मुताबिक ना हो यह है तकलीद शख्सी और तकलीद शख्सी हराम है तकलीद शख्सी हराम है जायज़ नहीं है तीसरा पॉइंट हमारे सामने है तकलीद और इतबा में फ़र्क क्योंकि आप कुरान पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको मिलेगा इतबा कीजिए तब जो कुछ है, तुम्हारी तरफ नाजिल की गई हैं चीज़ें है, उनकी तुम इतबा करो पैरवी करो और इसी तरह तत की बात की जाती है तो सवाल ये है तकलीद और इतबा में फ़र्क क्या है तकलीद किसे कहते हैं और इतबा किसे कहते हैं तकलीद के सिलसिले में अभी हमने बताया कि किसी की बात को बगैर दलील के मान लेना यही तकलीद है और इतबा में किसी की बात को दलील के साथ मानना तस्लीम करना ये इतबा है हमारी शरीयत में इतबा जायज़ है या नाजायज़ है इतवा जायज़ है इतवा जायज़ और इतबा का हमें हुक्म भी दिया गया है और इसी के अपोज़िट या उल्टा तकलीद है और तमाम लोगों को तकलीद से मना किया गया है चौथा पॉइंट हमारे सामने तकलीद पर रद्द क़ुरान से हदीस मुबारका से और इजमाए उम्मत से क्योंकि अगर हम किसी को किसी चीज़ से मना करते हैं तो हमारे पास दलील का होना ज़रूरी है बगैर दलील के हम किसी को तकलीद से या किसी और चीज़ से मना नहीं कर सकते अब हम किसी को मना कर रहे हैं कि तकलीद तुम्हें नहीं करनी है तो वो कहेगा कहाँ से कह रहे हो दलील दो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मकामात पर तकलीद से मना किया है अबू उमर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकलीद से रोका है क़ुरान में कई सारे मकाम एक जगह पर नहीं कई सारे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान में तकलीद के हवाले से रद्द किया है उनमें से एक आयत वो पेश करते हैं व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह और यहूद के ताल्लुक से आयत है कि उन्होंने अपने बड़े बड़े को अल्लाह आलमीन को छोड़ के रब बना दिया यह आयत आपने पढ़ी होगी सूरह तौबा की आयत नंबर इक्तीस है यहूदियों ने अल्लाह को छोड़ करके अपने उनके बड़े बड़े जो थे उनको क्या बना लिया रब बना लिया रब बनाने से क्या मुराद है बताएगा कोई आप लोगों में से वही मान अगर कोई यहाँ पर रब बनाने से मुराद ये है कि उनकी इबादत करते थे अपने की सही है नहीं इबादत नहीं करते थे रब बनाने से मुराद यही है कि उनकी हर बात को वो मान लेते थे उनके ने जिन चीज़ों को हराम कह दिया उसे वो हराम समझते थे उनके ने जिन चीज़ों को हलाल कह दिया उसे वो हलाल समझते थे हालांकि शरीयत का अल्लाह का उसमें कुछ और हुक्म है अल्लाह ताला ने उसे हलाल कहा है उलमा ने उसे हराम कह दिया तो अल्लाह को छोड़ कर के उन्होंने अपने की बातों को मान लिया गोया कि को रब का मकाम दे दिया रब का मकाम दे दिया और इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है मना किया है तकलीद में बेआनी ही यही हालत होती है तकलीद करने वाला शख्स क़ुरआन को भी छोड़ता है हदीस को भी छोड़ता है वो किसकी बात सीधे देखता है इमाम साहब कि अगर हनफ़ी है तो इमाम अबू हनीफ़ा अलैह, मालिकी है तो इमाम मालिक शाफई है तो इमाम शाफई और अगर हम्बली है तो इमाम अहमद बिन हम्बल उन्होंने क्या कहा है सूर फातिहा से मतलब ज़कवात से मतलब तलाक़ से मतलब हज से मतलब सीधे उनकी बात देखता है गोया कि तकलीद करने वाला शख्स भी यहूदियों के सफ़ में खड़ा हो गया और अल्लाह ने यहूदियों को मना किया है सख्ती से मना किया है उनकी गिरफ्त की है इसी तरीके से दूसरी आयत है फला और का लायमिना हत्म का फीमा शाह रबीन तुम मा यु फ़ी अन फुसिम हरा जम्मा कदयता वयुसलीमू तस्लिमा सुर नसायत नंबर पैंसठ कि ये मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने सारे मामलात में आपको अपना हाकिम ना बना लें ये आयत साहब के राम के ज़माने में नाजिल हुई अल्लाह के नबी बाहायात थे अल्लाह ने कहा नबी ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये लोग अपने सारे मसाइल में इख्त हों खुशबू हों सारी चीज़ों में ये लोग अप, आपको अपना हाकिम ना तस्लीम कर लें और फिर जो आप फैसला करें उस फैसले पर ये लोग रजामंदी का इजहार ना कर दें तब तक ये लोग मोमिन नहीं हो सकते गोया कि ये इस बात का पैगाम है इस आयत के अंदर कि मुसलमानों को क़यामत तक आने वाली इंसानियत को जो लोग भी ईमान का दावा करते हैं जब तक वो अल्लाह के रसूल को अपने हर मसले में अपना हाकिम नहीं तस्लिम करेंगे तब तक मोमिन नहीं हो सकते तब तक मोमिन नहीं हो सकते नमाज़ के मसले में जक़ात के मसले में इबाद के मसले में हर चीज़ों में हमें अपना हाकिम फैसला करने वाला किसको तस्लीम करना है रसोल्ला सल्ला वम को आप ज़रा गौर करें तकलीद करने वाला शख्स क्या अपने हर मसले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वल् को अपना हाकिम तस्लीम करता है नहीं तस्लीम करता है कई मसाइलें और आपके सामने कितने मसाइल जिक्र करूँगा सिर्फ़ एक मसाला ले लीजिए सिर्फ़ एक है इबादत नमाज नमाज के मसाइल में देख लीजिए लोग किस कदर रसूल अलैहि स की मुखालफत करते हैं सुर फातहा से तो मना करते हैं मना करते हैं कि नहीं मना करते इमाम के पीछे सुर फातह नहीं पढ़ना उसके अलावा रफ उदैन से रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं और उसके अलावा कई सारी दुआओं से भी महरूम करके रखते हैं तो ये गोया कि अल्लाह के रसूल की साफ़ तौर पर तकलीद करने वाला मुखालफत करता है इसी तरीके से अल्लाह रबालमिन ने फरमायादी अमन अति वतिरसूल व उमर मिनकुम फ़िन तनाज़ा तुम फी शै उन फ़रदू अर रसूल इन कन तुम तमिन आखिर खैरू अहसनों तवीला सुर नसा आयत नंबर उनसठ जो लोग ईमान ले के आए हैं उन्हें अल्लाह की इताअत करनी है रसूल की इताअत करनी है और अपने उमरा की इताअत करनी है इसमें एक बात गौर करने के लिए कहूँ देखें अरबी में एत के लिए अल्लाह ताला ने ततायुति एत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अत से कि एतात किसकी रसूल की अल्लाह की और अल्लाह और उसके रसूल दोनों के साथ अतीउ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है लेकिन व उलमर मिन मिनकुम इससे पहले अतीउ का लफ्ज़ इस्तेमाल है नहीं इस्तेमाल है देखे फिर से आयत आपके सामने पेश करता हूँ आमनू आमनुती व अती रसूल उसके बाद फिर आना चाहिए ना, न वतिमर लेकिन आया नहीं आया क्या वम्र मिनकुम ये आयत बताती है कि दो लोगों की एतात हमेशा करनी है जिंदगी में हमेशा करनी है दो लोगों की एतात हमेशा करनी है मुखालफत कभी भी जायज़ नहीं है कौन दो लोग हैं एक अल्लाह और एक रसूल व उम्र मिन कुम लेकिन उम्रा का मसला क्या है जो हमारे हाकिम हैं हुक्मर हैं उनकी एतात कभी की जाएगी कभी नहीं की जाएगी जब तक उनकी बातें क़र हदीस के मुताबिक होंगी तब तक उनकी अत्यात की जाएगी और जहाँ उनकी बातें कुरान हदीस से टकरा जाएंगी वहाँ पर उनकी बातें रद्द कर दी जाएंगी इसके अलावा और भी कई सारी आयतें हैं दलील के तौर पर जिन्हें पेश किया जा सकता अच्छा मुखल्दीन जो लोग तकलीद करते हैं इन आयतों के हवाले से एक बात कहते हैं कहते हैं ये सारी आयतें या इन सारी आयतों के अंदर जो तकलीद से मना किया गया है इससे मुराद कुफ़ार हैं और मुशरिकीन हैं मुसलमान मुराद नहीं बल्कि कौन लोग मुराद हैं कुफ़ार और मशरकिन को मना किया गया है कि तुम लोग अपने आबाव अजताद की तकलीद मत करो यानी शर के मत करो वो लोग मुराद हैं और उन्हें तकलीद से मना किया गया हमें तकलीफ से मना नहीं किया गया उनसे सवाल ये है, ये है ठीक है आप ये बतलाओ अल्लाह अल्ला आलमीन ने कुरान में चोरी करने से मना किया है जेना करने से उन्हें मना किया है शराब पीने से मना किया है झूठ बोलने से मना किया है गीबत करने से मना किया है तो क्या ये जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों से मना किया है इससे मुराद सिर्फ कुफार और मुनाफिकीन ही हैं या मुसलमान भी हैं ये बताइए इसका जवाब अगर आप कहें तो ठीक है इससे मुराद कौन हैं? कुफार और मशरकिन है तो बात समझ में आती है लेकिन अगर ऐसा इंसान कह देगा तो फिर मुसलमान भी रह जाएगा वो नहीं इस वजह से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए अब हदीस में भी तकलीफ से मना किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिसुन्नती फ़ल कुम बन्नति व अल अलमहदीन आए लोगो लंबी हदीस है पूरी उसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरबाज़ बिन सारिया रावी हदीस हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम्हारे दरमियान बहुत ज़्यादा इख्लाफा होंगे कदम क़दम पर अख्तलाफा होंगे नमाज में इख्तलाफ़ हज में इख्तलाफ़ रोज़े में इख्तलाफ़ ज़क़ात में अख्तलाफका तो खैरात हैं लेन देन हैं मीराश के मसाइल हैं कदम क़दम पर अख्तलाफा होंगे फिर ऐसे ज़माने में ऐसे वक्त में तुम्हें करना क्या है किस चीज़ पर तुम अमल करोगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़ल कुंभ सुन्नती जब ऐसा ज़माना आ जाए ऐसा दौर आ जाएगा तो लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़े रहना सुन्नत रसूल को लाजिम पकड़े रहना अगर इसे लाजिम पकड़े रहोगे तो नजात पा जाओगे और अगर इसे छोड़ दोगे तो फिर फ़ितनों में मुब्तला हो जाओगे सुन्नत रसूल के साथ खलफ़ा राशिदीन के भी तरीक़े को लाजिम पकड़ना अब ज़रा कोई यहाँ पर बतरा अल्लाह के रसूल ने कहीं ये भी कहा है कि उसके बाद जो अइम्मा आएंगे उनके भी तरीक़े को लाजिम पकड़ना कहीं है कहीं नहीं है गोया कि जिसके तरीक़े को लाजिम पकड़ना वो कौन है अल्लाह के रसूल और खुलफाए राश दीन हैं इसी तरीके से दूसरी हदीस है और अब्दुल्ला बिन मसूद रावी हदीस है। कहते हैं एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीर खींची एक लकीर खींची और कहा यही सीधा रास्ता है अल्लाह का रास्ता यही है उसके बाद दाएं बाएं भी लकीरें खींच दी और क्या फरमाया ये शैतान के रास्ते हैं पता क्या चला हक सिर्फ़ एक है कई हक हो सकते हैं लेकिन ये हन्फी मालिकी शाफ़ी हर कोई क्या कहते हैं हम हक पर हैं हम हक पर हैं हक कई एक हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं हक सिर्फ़ एक है और वो इस्लाम का रास्ता है जो रास्ता अल्लाह उसके रसूल ने बना करके हमें दिया है और उस पर चलने का हुक्म दिया है इजमा से भी ये बात साबित है कि तकलीद किसी की जायज़ नहीं है इजमा भी हमारे लिए हुज्जत है इजमा भी हुज्जत है चुनानचे सहाबा से ताबिन तब ताबिन सारे लोगों से ये बात साबित है यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल सारे लोगों ने तकलीद से मना किया है रोका है और लोगों ने कहा है अगर तकलीद जायज़ ही होती तो इन अइमां से बेहतर कौन लोग थे सहाबे के थे इंसान उनकी तकलीद करे इन अइम्मा से बेहतर अबू बकर हैं इन अम्मा से बेहतर उमर हैं उस्मान हैं अली हैं आयशा हैं और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन मसूद दीगर साहब राम अगर तकलीद करनी जायज़ होती तो इंसान किसकी तकलीद करे इन सहब के राम की तकलीद करे लेकिन इन सहब कर क्राम की भी तकलीद जायज़ नहीं है अच्छा अगली हेडिंग है तकलीद की इब्तदा कब से हुई तकलीद की इब्तदा कब से हुई आपसे कोई पूछ ले क्योंकि लोग अहल हदीस को ताना देते हैं कि ये जमात अभी की पैदावार है आज़ादी से कबल की या थोड़े से और पहले की ये जमात पैदावार है और अंग्रेज़ों की पैदावार है कई सारे इल्जाम ताने हैं वो एक अलग मौजू है जिस पर कभी गुफ्तगु करेंगे सवाल ये है ठीक है चलो हम हम क्या कहते हैं आज़ादी के पहले के पैदावार हैं लेकिन ज़रा आप बताएं कि आपकी पैदाइश कब हुई है पूरी तहक़ीक के साथ रिसर्च के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 400 साल के बाद तकलीद की शुरुआत हुई है कितने साल 400 साल और कहते हैं तकलीद वाजिब है तो ज़रा ये बतलाइए इन 400 सालों में जो लोग इस्लाम के मानने वाले थे वो लोग इसका मतलब आखिरत में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने किसकी तकलीद की किसी की तकलीद की और खुद अगर कहते हैं तकलीद वाजिब है और अगर तकलीद नहीं करोगे तो गुमराह हो यहाँ तक कि लोगों ने शैतान भी कहा अगर इंसान तकलीद नहीं करता है तो शैतान है वो तो सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने किसकी तकलीद की इमाम शाफई ने किसकी तकलीद की इमाम मालिक ने किसकी तकलीद की अहमद बिन हम्बल ने किसकी तकलीद की ज़रा आप मुझे ये बतलाइए इन लोगों ने किसी की तकलीद की है आप लोग खुद बताओ किसी की तकलीद की नहीं की अच्छा इनसे पहले सहाब कर ने किसकी तकलीद की या सहब कराम के बाद तब इन तब किसकी तकलीद की इन लोगों ने तकलीद नहीं की इन लोगों ने इतवा की और साबे के राम को आप देख रहे हैं अल्लाह ताला उन उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह रब्बुल रबुलामी से राज़ी हो गए तो ये तकलीद की शुरुआत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व्ल् की वफात के ४०० साल बाद हुई समझ रहे हैं ना चार कुछ साल शाह मुहद्द से देलवी रहमत ला ने हजतलबालगा में लिखा है कि तकरीबा साढ़े चार सौ साल और इबन कैम रहमत की किताब आलाम्क़ी तकलीद के रद्द में बहुत शानदार किताब है उन्होंने लिखा अल्लाह के रसूल के वफात के चार सौ साल बाद तकलीद की शुरुआत हुई उससे पहले तकलीद जैसी बुरी आदत पूरी उम्मत इस्लामिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ना हिंदुस्तान में ना नेपाल में ना पाकिस्तान में ना अरब ना फिर यमन नाईरान ना मिस्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी अच्छा एक वाक्य आपको सुनाता हूँ एक वाक्य सुनिएगा और बहुत शानदार वाक़ है वाक़ ये है एक आलिम साहब निकाह पढ़ा रहे थे और दुल्हा सामने मौजूद था उससे उन्होंने कहा कहो हाँ मुझे कबूल है मजहब अबू हनीफा के मुताबिक मुझे मेरा निकाह कबूल है लेकिन आगे क्या कहना ज़रूरी है अबू हनीफा अलैह के मज़हब के मुताबिक वो होशियार था दुल्हा उसने कहा मुझे निकाह कबूल है बस आगे नहीं कहा आगे उसे और एक लफ्ज़ कहना चाहिए था क्या था मजहब अबू हनीफा के मुताबिक या उनके तरीके पर मुझे निकाह कबूल है उसने नहीं कहा अब मौलाना ने कहा तुम्हारा निकाह नहीं होगा क्यों नहीं होगा मजहब अबू हनीफा का तुमने नाम नहीं लिया कहो मजहब अबू हनीफा के मुताबिक या उन पर मेरा निकाह कबूल है बहुत होशियार तो उसने सवाल कर लिया अच्छा मौलाना ये बताइए अगर मजहब अबू हनीफा के मुताबिक मैं ना कहूँ तो जरा आप ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा के अब्बा का निकाह कैसे सही हो गया था हाँ है कि नहीं है? भाई आज अगर मुझसे कहते हो अगर ना नाम लूँ तो मेरा निकाह ही नहीं सही होगा तो जरा मुझे यह बतलाओ कि इमाम अबू हनीफा के अब्बा का निकाह कैसे सही हो गया था मजहब कौन सा था उनके जमाने में या अब्बा से पहले अबू हनीफा आ गए थे मजहब भी उनका आ गया था ऐसा हो सकता है तो जब देखो जब इंसान झूठ बोलता है ना तो कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाता है कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाएगा लाजम है जैसा कि ये मौलाना फंसे बहरहाल अब आते हैं ये अमूमी तौर पर जो तकलीद की जाती है चार इमामों को की जाती है कितने इमामों की चार, चार। कौन अबू हनीफा मालिक शाफ़ी अहमद बिन हम्बल देखें इमाम अबू हनीफा की पैदाइश अस्सी हजरी में हुई और वफात एक सौ पचास हजरी में सत्तर साल की इन्हें पूरी उम्र मिलती है इमाम मालिक बिन अनस की वलादत तिरानवे हजरी में हुई और वफात एक सौ उन्यासी हजरी में इस हिसाब से इन्हें टोटल उम्र कुल छियासी मिलती है छियासी साल इमाम शाफ़ई रहमत लाई की पैदाइश 150 सौ पचास में हुई जिस साल इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हुआ उसी साल इमाम शाफ़ई की पैदाइश हुई और सन दो सौ चार में इमाम शाफ़ई का इंतकाल हो जाता है और इन्हें टोटल उम्र चौवन साल मिलती है अहमद इब्ने हम्बल की वलादत एक सौ चौसठ हिजरी में होती है और वफात दो सौ इकतालीस हिजरी में इस एतबार से इन्हें टोटल उम्र सतहत्तर साल मिलती है अचारोंम्मा में सबसे लंबी उम्र किसे मिलती है इमाम मालिक बिन अनस को मिलती है उसके बाद अहमद बिन हम्बल को फिर उसके बाद इमाम अबू हनीफा को सबसे कम उम्र इमाम शाहफ़ी रहमत लाई को मिलती है चौवन साल बस ये है इनकी तारीख़ पैदाइश और वलादत लेकिन आप देख लें चार सौ साल बाद चार सौ साल बाद गोया कि इन लोगों का इंतकाल हो गया इन लोगों के इंतकाल के कई सौ साल के बाद तकलीद की शुरुआत होती है इस बीच में जो लोग आए वो लोग कहाँ जाएंगे अगर कहोगे तकलीद वाजिब है नहीं करोगे तो गुमराह तो इसका मतलब ज़ालिक इस बीच में जो लोग आए वो सारे लोग गुमराह थे सिर्फ चार सौ साल के बाद जो लोग आए और तकलीद करने लगे वही असर इस्लाम के पैरोकार थे यही तो होगा हालांकि ये फिक्र गलत है अच्छा अब अगली हेडिंग हमारे सामने क्या अईम अरबा ने तकलीद की दावत दी है यानी क्या इमाम अबू हनीफा ने कहा है मेरी तकलीद करो क्या इमाम मालिक ने कहा मेरी तकलीद करो इमाम शाफई ने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा किसी ने भी कहा कोई साबित करके दिखाए सिर्फ एक रवायत सिर्फ़ एक बात चारों में से कोई साबित करके दिखला दे जो इनकी तकलीद कर रहा है कि इन कि इन में से किसी ने कहा है कि मेरी तकलीद करो बल्कि तकलीद पर इन लोगों ने इतनी सख्त बातें की हैं और इतने सख्त कलाम हैं कि अगर इंसान ध्यान से पढ़ ले तो कभी भी इनकी तकलीद नहीं करेगा और अजीब तजुब है कह तो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं इमाम अबू हनीफ़ा ने क्या कहा इदा सहल हदीस उफा उम्म हबी जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब भाई उनकी बात मानो इन लोगों ने कहा इमाम अबू हनीफा ने मालिक ने शाफ ने, हंबल ने कि जब हमारी बातें हदीस रसूल से टकरा जाए तो हमारी बातों को दीवार पर मार दो और हदीसे रसूल को ले लो अगर हम कोई बात पेश करें और हमारी वो राय सुन्नत रसूल के खिलाफ हो तो हमारी राय को छोड़ दो और सुनत रसूल को ले लो इन्हीं लोगों की बातों में आपको ये बात मिलेगी कि इमाम मालिक बिन अनस ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि हर शख्स की बात ली भी जा सकती है और हर शख्स की बात रद्द भी की जा सकती है सिवाय इस कब्र वाले के मस्जिद नबी में बैठे थे अल्लाह के रसूल की कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि दुनिया के हर शख्स की बात ली भी जा सकती है रद्द भी की जा सकती है सिवाय इस कब्र वाले के इसकी कोई भी बात रद्द नहीं की जाएगी तो इन लोगों ने इतनी सख्ती से मना किया है अगर इनकी तकलीद करते हो तो इनकी बात को मान करके जरा दिखलाओ और इससे भी खतरनाक चीजें आपको बताऊं कितने सारे मसाइल ऐसे हैं कि इन लोगों ने कहा ही नहीं कितनी सारी बातें ऐसी हैं कि इन लोगों ने कही भी नहीं और इन लोगों की तरफ झूठी नस्बत कर दी गई कि इमाम अबू हनीफा ने कहा हालांकि कि उन्होंने कहा नहीं ये इंसान इल्ज़ाम लगा रहा है उन पर बहुतान है कल क़यामत के दिन लोगों को इसके बारे में अल्लाह के सामने जवाब देना होगा कि इमाम अबू हनीफा ने यह बात नहीं कही मालिक ने यह बात नहीं कही शाफई ने यह बात नहीं कही फिर कहाँ से तुम लोगों ने उनके जानबी बातें मनसूब कर दी थी बल्कि बाज़ इमा इमाम शाफी रमतल आल ने कहा है कि वो शख्स जो लोगों की बातों को बगैर दलील के मान लेता है बस कह दिया उसने मान लो मान लो उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो रात में लकड़ियाँ इकट्ठा करता है रात में लकड़ियां इकट्ठा करता है। अब क्या होगा रात में लकड़ियाँ इकट्ठा करने का अंजाम मालूम है क्या होगा वो अजदही को भी लकड़ी पकड़ करके रख लेगा और फिर डंक मार देगा और उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा तो इस तरीके से तकलीद करने वालों की मिसालें हैं तो बहरहाल इन चारों अम्मा ने तकलीद से सख्ती के साथ हमें मना किया है रोका है अच्छा लोग एक बात ये भी कहते हैं कि चारों मजाहिब में सबसे ज्यादा आम जो मजहब है वो कौन सा है मजहाब हनफी है। कहते हैं यही मजहाब हनफी के हक होने की दलील है कि पूरी दुनिया में फैल गया और आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में मालिकी शाफी हम्बली के बिलमकाबिल सबसे ज्यादा कौन लोग हैं हनफी लोग कहते हैं यही इसके हक होने की दलील है हालांकि किसी चीज का कम होना या ज्यादा होना उसके हक होने की दलील है तादाद से हक ना हक का फैसला होता है नहीं होता है फिर सवाल ये है मजहब हन्फी इतनी तेज़ी के साथ क्यों फैला मालिकी को उतना ज़्यादा फ़रोग नहीं मिला और शाफई को भी नहीं हम्बली को भी नहीं हमली ज़्यादा ज़्यादा सऊदी में और उसके अतराफ व अकनाफ में आप पा जाएंगे मजहब हन्फी के सबसे ज़्यादा आम होने की असल वजह यह है कि इस मजहब को हुक्मरानों का सपोर्ट मिला इस मजहब को किन लोगों का सपोर्ट मिला हुक्मरानों का सपोर्ट मिला और बहुत ज़्यादा आप नाल कीजिए पूरी दुनिया का सिर्फ हिंदुस्तान में आप देख लीजिए जितने बादशाह गुजरे उनमें से 95 फाइव परसेंट कह रहे सबके सब कौन थे सबके सब मुगलिया दौर के और सारे को बादशाहों को देख लीजिए कौन लोग थे हनफी थे और कहा जाता है लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं जाहिर सी बात है वो हाकिम है पूरे मुल्क में उसने ये ऑर्डर लगा दिया कि कोई भी फैसला होगा मजाब हनफी के मुताबिक किया जाएगा वो हाकिम है उसने कानून लगा दिया आम क्या है कि नहीं किया मजाब हनफी को और आज भी देख लीजिए कहीं ना कहीं से उन्हीं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल है मुस्लिम पर्सनला बोर्ड और सारी चीज़ों पर देख लें और अच्छा सारी चीज़ों में तो उनका मसला होता है पर तलाक़ के मसले में वो कहाँ आते हैं भाग करके तलाक़ के मसले में जब कहीं नहीं हल होता है, तो रोते हमारे पास भाग करके आते हैं क्योंकि उनके यहाँ क्या है एक बार में तीन बोल दिया तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा अब चलो भागते भागते किसी हदीस मौलाना के पास वही इसका हल करेगा और सही मौक़ क्या है एक मजरिस की तीन कितनी होंगी एक मानी जाएंगी तो ये इस तरह के लोग गलतियाँ करते हैं अच्छा अगली हेडिंग हमारे सामने उसके बाद नुकसान क्या हैं खत्म करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा क्या एक मुसलमान पर किसी भी मजहब की तकलीद लाजिम है कुछ लोग जैसे कहते हैं कि नहीं या तो हनफ़ी ही बन कर के रहो या तो शाफ़ी ही बन कर के रहो या तो हम्बली ही बन कर के रहो किसी एक को लाजिम पकड़ो वरना शैतान हो क्या हो शैता हाँ इबन तमिया रामत के ज़माने में ऐसा मसला हुआ उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है एक शख्स आया दो लोगों की गुफ्तु हुई और उसने दूसरे से कहा एक ने कि किस मजहब के मानने वाले हो तो उसने कहा मोहम्मदी मजहब का मानने वालों किस मजहब का मोहम्मदी सी मुराद रसूल अक्रम सला वसलम कहा न न ऐसे काम नहीं चलेगा या तो हमबली बनो या तो शाफ या तो मालिकी या तो हनफी बनो चारों में से कोई एक बनो और अगर कोई नहीं बनोगे तो तुम शैतान हो बड़ा मसला हो गया अब वो शख्स भागते भागते कहाँ आया मसला पूछने के लिए फिर इबन तैमिया रहमत लाई के पास है मसला ज़ाहिर सी बात है इबन तैमिया ऐसी वैसी शख्सियत है तारीख की इतनी अजीम शख्सियत है उन पर गुफ्तु करने के लिए हज़ारों सफ़ात चाहिए तो इबन तैमिया के पास आए इबन तैमिया ने कहा सुनो एतात अल्लाह की करनी है रसूल की करनी है और उन उम्रा की करनी है जो उम्र सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करते हैं इसके अलावा किसी और की एतात नहीं करनी है वो शख्स जो ऐसा कह रहा है किसी एक को लाजिम पकड़ना वो गलत कह रहा है उसके बाद में उन्होंने आयत पेश की अति रसूल व उम्र मिन कुम लो दलील भी पेश कर दिया कि अल्लाह रसूल की उमरा की एतात करनी है और तुम कह रहे हो मज़ाब हनफ़ी की एतात करनी है एक दलील पेश करो हम बली को मानना है एक दलील पेश करके दिखलाओ कहीं नहीं दिखला सकते तो किसी एक को लाजिम पकड़ने वाले जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं मोहम्मदी बन करके के रहिए मोहम्मदी यानी किताब उस सुन्नत को मानिए और इसी के मुताबिक अपने फ़ैसले कीजिए जिंदगी गुजारिए अगली हेडिंग उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूंगा। तकलीद के नुकसान क्या क्या हैं तकलीद के नुकसान क्या हैं नंबर एक हक की याबी से इंसान महरूम हो जाता है जो मुखलद होता है वो हक़ तक नहीं पहुंच सकता तलाक़ के मसले में हक क्या है मुकलद हक तक पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसने मान लिया एक मजलिस की तीन कितनी हो जाती है तीन हो जाती हैं हक तक पहुँच सका क्यों नहीं पहुंच सका किस चीज़ ने रोका तकलीद कर रखा है इस वजह से अगर तकलीद ना करता तो हक़ तक पहुंच जाता वो तो सबसे बड़ा नुकसान क्या इंसान हक़ से महरूम हो जाता है इसी तरीके से दूसरा नुकसान तकलीद के सबब इंसान बाज़ इबादात भी सही तरीके से नहीं अदा कर पाता बाज़ इबादात भी सही तरीके से नहीं अंजाम दे पाता कहेंगे कैसे नहीं कहूँगा नमाज आप देख लो नमाज कबूल हुई है कि नहीं कबूल हुई है ये एक अलग मसाला है नमाज सही है कि नहीं सही है ये एक अलग मसाला है लेकिन नमाज मुकम्मल तौर पर आपने सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा की है या नहीं अदा की है ये हमारे सामने आपके सामने आपने फातिहा नहीं पढ़ा आपने रफुल्देन नहीं किया आपने आमीन नहीं कहा आपको हाथ कहाँ बांधना चाहिए आपने कहाँ बांधा चार बड़ी बड़ी गलतियाँ आपने नमाज में कर दी फिर आपने नमाज सही तरीके से अदा की सुनत रसूल के मुताबिक आपने नमाज अदा की नहीं ये सिर्फ़ नमाज की बात है वरना सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें साफ़ तौर पर हदीस की मुखालफत की जाती है और वो इबादत सही तरीके से नहीं अंजाम दे पाता कौन तकलीद करने वाला शख़्स इस वजह से तकलीद करोगे तो इबादतों को भी सही तरीके से नहीं अंजाम दे पाओगे इसी तरीके से तकलीद के सबब इंसान हदीस का ग़लत माना बतलाता है अवाम को हदीस का जो सही माना है वो नहीं बतलाएगा बल्कि ग़लत माना बतलाएंगे चुनानचे हनफियों में से किसी एक हनफी आलिम ने कहा है कि हर आयत और हर हदीस हर वो आयत और हर वो हदीस जो हमारे इमाम के कौल के खिलाफ हो वो रद्द कर दी जाएगी या उसे कहा जाएगा कि इसका हुकुम अब ख़त्म हो चुका है मनसूख है इसी तरीके से चाहे आयत हो या हदीस हो आप सोचें ज़रा कितनी बड़ी बात इंसान ने कह दी कि कोई भी हदीस आ जाए और कोई भी और आन की आयत आ जाए और वो हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है तो उसका कुछ भी एतबार नहीं उसका कुछ भी एतबार नहीं इंसान कुरान छोड़ दे हदीस छोड़ दे फ़काल मोबीना और आन और हदीस को छोड़ करके इंसान जानवरों की ज़िंदगी गुजारेगा और आन और हदीस को छोड़ करके इंसान गुमराह हो जाएगा कुरान और हदीस को छोड़ करके इंसान अपनी आखिरत तबाह कर लेगा इसके अलावा कुछ और नहीं होगा इसी तरीके से तकलीद के सबब इंसान तहक़ीकी रुझान भी खो देता है रिसर्च और तलाश का जो एक जौक होता है जज्बा होता है वो भी इंसान के यहाँ से ख़त्म हो जाता है भाई जब इंसान तकलीद नहीं करता है ना तो एक मसला उसके पास आएगा तो क्या करेगा रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा तहकीक़ करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि वो तकलीद नहीं कर रहा है रिसर्च करेगा वो कि इस मसले का सही हल क्या है सही जवाब क्या है और जो तकलीद करने वाला होगा वो रिसर्च नहीं करेगा वो कभी रिसर्च नहीं करेगा इसी वजह से जो लोग तकलीद करने वाले होते हैं मुखलदिन उनके यहाँ आप ये नहीं पाओगे कि उनके उलमा में से किसी ने ये शानदार काम किया ये आदि सही है ज़ीफ़ है सही तरीके से नहीं क्योंकि रिसर्च का जज्बा तकलीद करने वालों के यहाँ से ख़त्म हो जाता है तकलीद का पाँचवा नुकसान ये है कि इंसान सुन्नत से जहाँ दूर होता है तकलीद के सबब इंसान सुन्नत से दूर हो जाता है वहीं पर सिर्फ अपने इमाम तक महदूद रह करके दूसरे के इल्म से फ़ायदा भी नहीं उठा पाता है दूसरे के इल्म से भाई मैं हनफ़ी हूँ इमाम शाफ़ई को मैं देखना नहीं चाहता उनकी किताब पढ़ना नहीं चाहता मैं शाफ़ई हूँ हनफी की कोई किताब नहीं पढ़ूँगा इमाम अब हनीफा की कोई किताब नहीं क्यों जो कुछ हमारे इमाम ने कह दिया वही सब सही है तो इस तरीके से जो तकलीद करने वाले होते हैं इस उम्मत के जो अजीम मा गुज़रे हैं उनके उलूम से भी फ़ायदा इल्म से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं इसी तरीके से तकलीद की वजह से बसा अवकात इंसान सही हदीसों को ज़ैफ़ कर देता है ज़यीफ़ हदीसों को सही कह देता है भाई ये हदीस हमारे इमाम के राय के मुआफ़ नहीं है इस वजह से यह हदीस क्या है ज़यीफ़ हालांकि सही है वो हदीस और कभी ऐसा होगा एक हदीस आ गई ज़यीफ़ है लेकिन वो हदीस हमारे इमाम के राय के सपोर्ट में है अब उस हदीस को सही कह दूँगा आप सोचिए कितना डेंजर नुकसान है कि तकलीद करने वाला शख़्स सही हदीस को ज़यफ़ कर देता है कह देता है और औरईफ़ हदीस को सही कह देता है इसी तरीके से सातवा नुकसान ये है तकलीद के सबब इंसान बसा औकात झूठ भी बोलता है और हदीसें भी अपनी जानिब से बनाता है फैक्ट्री हो जाती है पूरी उसके पास उसके पास पूरी फैक्ट्री हो जाती है जहाँ पर हदीसें बनाई जाती हैं अपने इमाम के राय के तायद के लिए कहेगा पाला नबी सल्लम हालांकि कहीं भी हदीस की किताबों में आपको हदीसें नहीं मिलेगी आप जुरत देखिए इमाम बुखारी रहमत हदीस की किताब लिखी सही बुखारी और उसके रद्द में एक मौलाना गालिबा हनफी थे उन्होंने लिखी सहीबहारी आप सोचो सही बुखारी के रद्द में कौन सी किताब बिहारी लिखी गई और उसके अंदर क्या लिखी गई सब झूठी मन घड़ा तदीसा रिवायत है अपने मजहब को साबित करने के लिए हालांकि सही बुखारी का जो मकाम और रुतबा है का कुरान के बाद रूए ज़मीन पर सबसे सही मोतबर किताब कौन सी है सही बुखारी है और इसमें कोई शक नहीं कुछ भी डाउट नहीं है इसी तरीके से तकलीद का एक नुकसान ये होता है कि लोगों के दरमियान असबियत की हवाएं चलने लगती हैं। तसब का शिकार हो जाता ये इंसान हनफी मालिकी को नहीं देखना चाहता मालिकी शाफ़ई को नहीं देखना चाहता शाफही हम्बली को नहीं देखना चाहता दोनों एक दूसरे दो के जाने दुश्मन बन जाते हनफी मालिकी की मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेगा हनफी अलहदीस की मस्जिद में जल्दी नहीं आएगा नमाज़ पढ़ने सारे मजाहिब अलग अलग मस्जिदें बना ली जाती और एक ज़माना तो ऐसा भी था कि अहनाफ केमा ने यह फतवा दे दिया कि शाफी औरत से शादी ही जायज़ नहीं तसब की बुनियाद पर किस बुनियाद पर तसब वो शाफ़ई है शाफ़ई औरत से शादी ही जायज़ नहीं है फिर बाद में अपने फतवे को थोड़ा हल्का किया और कहा शाफी औरत से शादी जायज़ है और उनको रख लेते हैं अहले किताब के मर्तबे पर और अहले किताब से शादी जायज़ है कि नहीं उनकी औरतों से जायज़ है तो हम कह देते हैं चलो तुम्हारा मकाम क्या कहते हैं थोड़ी तो सी रहायत करते हैं और तुम्हें सीधे काफिर नहीं करते बल्कि अहले किताब के मकाम पर ले आते हैं और फिर शादी तुम्हारी औरतों से जायज़ करार देते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक मसाइल हुए आप हिंदुस्तान की तारीख में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे आज़ादी के ज़माने में लोगों ने किताबें लिखीं अखराज अलवाबी ये ना अंग्रेज़ों के ज़माने में मुल्क को आज़ाद कराना है दूसरे मसाइल ये खड़ा कि अखराजलवा हाबी ये वहाबियों को मस्जिदों से निकालो असबियत की बुनियाद पर तसब की बुनियाद पर वहावियों को कहाँ से निकालो मस्जिदों में और उन किताबों में झूठे झूठे इल्ज़ाम अहलेदीसों पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए यहाँ तक कि अहिलदीसमा मक्का गए हज करने के लिए वहाँ पर भी झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा करके उन्हें जेल में डलवाया गया बाद में जब तहक़ीक हुई तो पता चला सब कुछ झूठे सैद मियाँ नज़ीर हुसैन मोहद्द देनवी जिन्होंने तकरीबन साठ साल तक दिल्ली के अंदर हदीस पढ़ाई है और चाहे अरब हो चाहे चाहे हिंदुस्तान नेपाल पाकिस्तान यमन मिस्र सऊदी अरब दुनिया के कोने कोने से सैयद मियां नजीर रसल मुहदस देलवी के पास लोग आते थे क्यों इल्म हदीस सीखने के लिए फ़िके हनफी पे इतनी गहरी उनकी नज़र थी कि अहनाफ के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके सामने टिकते नहीं थे हालांकि वो हनफी नहीं थे लेकिन हनफी किताबों को इतनी गहराई से पढ़ रखा था इसी तरीके से नवा नुकसान मुखलद कभी आलिम नहीं हो सकता मुखल चाहे कितना बड़ा है वो अमामा इसी वजह से उनके यहाँ क्या कहते हैं अजीब अजीब अलकाब पहले सात आठ लाइन में लकब होंगे तकलीद करने वालों के अलकाब लगाने से कोई अलामा नहीं बन जाता तो मुफ्ती दौरा तो फला धमाका कुछ भी लगा लो लेकिन याद रखो असूल है मुखलद कभी भी आलिम नहीं हो सकता उस पर आलिम का इतलाक़ हो ही नहीं सकता और कई सारे ने यह बात कही है कि तकलीद करने वाला खाए कितनी बड़ी डिग्रियां इकट्ठा कर ले कितनी सारी डिग्रियां इकट्ठा कर ले अगर वो तकलीद करता मुखलद है तो वो आलिम नहीं हो सकता इसी तरीके से एक दो नुकसान बकिया वक्त भी हो चुका है ज़्यादा अपनी बात ख़त्म करूँगा तकलीद के सबब आपस में इख्लाफा पैदा होते हैं दुश्मनियाँ पैदा होती हैं और नफ़रतें भी पैदा होती हैं चुनानचे किसी हनफ़ी ने एक बार कहा, कहाला तो रबा अदाद रमिन अला कऊला अबी हनीफा उन्हीं की किताब में कि ये जो रेत हैं रेत जितने हैं ज़मीन पर जितनी मक़दार में इतनी मकदार में उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो अबू हनीफ़ा की बातों को रद्द कर दे रेत मामूली है ज़मीन पर मामूली है रेत कैर इतनी ज़्यादा लानत हो किस पर जो अबू हनीफा की बात को रद्द कर दे ये क्या है नफरत है आपसी माहौल को खराब करना है और आखिरी नुकसान तकलीद के सबब एक दूसरे को इंसान काफिर भी कह देता है तकलीद के सबब जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया हनफिया ने कहा शाफिया औरतों से शादी करना जायज़ नहीं है और इसी तरीके से इंसान कुरान हदीस से सबसे ज़्यादा दूर होता याद करके रखना जो भी तकलीद करेगा वो सबसे पहले कुरान हदीस को बालाए ताक रखेगा अब आप सोच लो जो क़ुरान हदीस को छोड़ दे उससे दूर हो जाए क्या वो इंसान राय रास्त पर हो सकता है क्या वो इंसान हक पर हो सकता है? हर हरगिज रही हो सकता है इस वजह से तकलीद नाजायज इतने सारे इसके अलावा भी नुकसान हो सकते हैं लेकिन इतने सारे नुकसान तकलीद के हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है आलमीन तो हम तमाम लोगों को तकलीद से दूर रख और सुन्नत रसूल की इत्तबा करने की तौफीक दे तोफ़ी देम हम तमाम लोगों के दरमियान या हमारे दरमियान तकलीद के सबब जो लोगों ने इख्लाफा पैदा कर रखे हैं इन इख्लाफा को तो ख़त्म कर दे और पूरी उम्मत को सुनत रसूल सल्लाम को अपनाने की तोफ़ी दे आमीन वसलमकुम वरम वरक ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफ़े का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला खैरन